हाय पोपड़ंगल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग नहीं टप्पू बेटा, हैप्पी मॉर्निंग बोल। हैप्पी मॉर्निंग। आओ बेटा। नहीं नहीं पोपड़ंगल, मुझे निकलने में, बस दादाजी को कहने आया था। अरे दो मिनट बैठना बेटा। बोलिए क्या प्लान है आज का? वैसे कुछ खास नहीं। क्यों? याद है तू और गोली मेरे घर पर आए थे, मुझे बोल रहे थे कि फिल्म देखने चलते हैं। हाँ याद है ना। हाँ तो फिर चलो, आजकल तुम लोगों का वेकेशन भी चल रहा है, तो वो कॉमेडी, एक्शन, हॉरर और खास करके रोमांटिक फिल्म एक के बाद एक सारी देखते हैं। ओके डन पोपट अंकल। पोपट अंकल मैं ना शो के टाइमिंग्स देख लेता हूँ और गोली के साथ प्लान करके आपको कॉल करता हूँ। ओके ओके दादाजी, मैं जरा गोली के घर जा रहा हूँ। जेठालाल को बहुत टाइम लग गया, वो कपड़ा कभी धो के फिर हो जाएगा। अच्छा हाँ, चलो पोपटलाल ठीक है, कपड़े का भी धोके रख दे। हाँ बाबूजी। हाँ देखा, चलो बाबूजी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ और भाई इसका मोबाइल लाना मत भूलना। हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल। हाँ चलो चलो चलो। हैप्पी मॉर्निंग बहनो। हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपटलाल भाई। और आप सबको पता है कि नहीं, आज तो डबल गुड मॉर्निंग है। अरे आप सबके भाई भाई पोपटलाल आज देखिए कितने खुश खुशहाल है। बहुत अलभ्य नजारा है, अपनी आंखों में कैद कर लीजिए इस नजारे को, क्योंकि यह नजारा फिर से देखने मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते। नहीं नहीं जेठालाल, अब यह नजारा 24/7 देखने को मिलेगा। 24 क्या? 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन। अच्छा अच्छा, मतलब हमेशा हमेशा हमेशा। शाबाश। क्या बात है पोपट भाई, नाउ दैट्स द स्पिरिट। बाय द वे यू लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे। थैंक यू। हैंडसम पोपटलाल भाई, आज दूसरी समते लेंगे या नहीं, या फिर आज भी करेला ही खाने का मन है? कैंसल कैंसल, अब से करेला खाना कैंसल, आज तो 56 भोग खाने का मन है। वाह माधु भाभी, आप मेरे लिए थाली पीठ बनाने वाली थी, कब खिला रही है? पोपट बाबूजी अब भी खिलाती हूँ आपको। और अंजलि भाभी, आपके हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा, काजू किशमिश डला हुआ। हाँ हाँ वो भी मैं अभी बनाती हूँ। और मैं मस्त तड़के वाली दाल फ्राई लेकर आऊंगी, मैं ऊ तुम्हारा माटे टेस्टी टेस्टी ढांसक बनाऊ। तो मेरा झूरी में जब कहा पोपट भाई? ओ, थाली पीठ, दाल तड़का, ये गाजर का हलवा, धान साक और चोरी भाजा। नहीं नहीं झूरी भाजा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ झूरी झूरी भाजा। तुम्हारे लिए तो वाकई में आज 56 भोग बन रहे हैं पोपटलाल। थैंक यू। हाँ वाह पोपट भाऊजी, बस आप ऐसे ही खुश रहिए। अरे बहनों, मेरी निराशा दूर करने में और मुझे खुशखुशहाल करने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। Come on, पोपटलाल भाई। पोपट भाई, कोई भी बहन अपने भाई को उदास कैसे देख सकती है? और ये तो भाई गोकुलधाम की बहनें हैं, ये बहनें तो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। यस यस, देखो ना, मैंने 56 भोग की इच्छा जाहिर की और मेरी बहन ने बना रही है। सच में पोपटलाल, मन तो कर रहा है यार दुकान जाना कैंसिल करके तुम्हारे घर पे ये 56 भोग खाने आ जाऊं। तो चलो। नहीं आ सकता दोस्त। क्यों? अरे भाई इतने दिन से छुट्टी मना रहा हूँ, तो छुट्टी के बाद का आज पहला दिन है, तो आप तो दुकान जाना पड़ेगा दोस्त। हाँ जेठा जी, नट्टू काका और बागा भाई भी आपको बहुत मिस कर रहे होंगे। हाँ इसीलिए बबीता जी मैंने क्या है उनको सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। सरप्राइज? सरप्राइज कैसे? सरप्राइज क्या है, मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं आज दुकान आने वाला हूँ, तो चुपचाप दुकान जाके उनको फोन ऐसे करूंगा तो सरप्राइज हो जाएंगे। ओके ओके चलिए, दैट्स अ नाइस आइडिया। आप जाके दुकान में सरप्राइज दीजिए, हम भी यहाँ पे पोपट भाई के 56 भूख की तैयारी करते। चलो मैं निकलता हूँ। ये क्या गाना गा रहा है? नट्टू काका ये गाना मैं सेठ जी के लिए गा रहा हूँ। कितने दिन हो गए, सेठ जी अभी तक सिंगापुर से नहीं आए, कब आएंगे सेठ जी? अरे बागा, सेठ जी जब भी आएंगे ना, हम उनको अपना ये जबरदस्त सरप्राइज देंगे। लेकिन हमारा सरप्राइज देख के सेठ जी खुश तो होंगे ना? खुश होंगे।
अरे मैं तो कहता हूँ अपना ये सरप्राइज देखकर खुशी से गाने लगेंगे, नाचने लगेंगे और हम भी सेठ जी के साथ नाचेंगे गाएंगे। नहीं होता कंट्रोल मुझसे नट्टू काका, नहीं होता। सेठ जी को सरप्राइज देने के लिए मैं एकदम बेताब हो रहा हूँ। कब आएंगे सेठ जी? अरे अरे इतना बेताब तो तू बावरी को मिलने के लिए भी नहीं होता। बागेश्वर जी मैं आ गई। बावरी जी आप? हाँ मैं, मुझे आपकी याद आई और मैं आपसे मिलने आ गई। बावरी जी आपको दुकान में नहीं आना चाहिए था। क्यों? सेठ जी अचानक आ गए तो? लेकिन वो तो डिंगापुर गए ना। डिंगापुर नहीं बावरी जी, सिंगापुर। हाँ हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। बावरी जी सेठ जी आजकल में सिंगापुर से आने ही चाहिए। अचानक वो दुकान में आ गए और उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो क्या सोचेंगे कि उनकी गैर हाजिरी में मैं आपको रोज दुकान में बुलाता था और काम धंधा छोड़ के आपके साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। यस बावरी बेटा, बागा इज राइट। लेकिन वो तो विदेश घूमने गए ना, एकदम मस्त मजे करके आएंगे। फिर वो मुझे यहाँ देखेंगे तब भी गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं करेंगे। बावरी जी सेठ जी दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुकान का टेंशन हमेशा उनके सर पे रहता ही है। अरे घूमने फिरने से टेंशन कम होता है और उनका भी हो गया होगा। आप तो ये बताइए उन्होंने आपको सिंगापुर से फोटोज भेजे कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं भेजे, लेकिन लगता है दुकान में आने के बाद सब फोटो एक साथ दिखा देंगे। आप लोग मुझे भी बुलाना, मुझे भी सिंगापुर की फोटोज देखने हैं। हाँ हाँ तुमको पक्का बुलाएंगे, बस बेटा सी जी जब आएंगे तब फोटोज दिखाएंगे, तब तक हम लोग तो अपने फोटोज खींचते हैं। आइए सेल्फी लेते हैं। यस टुडे स्पेशल डे, आज हमने दुकान के लिए खास काम किया है और खास काम को यादगार बनाने के लिए सेल्फी तो बनती ही है बागा। बागेश्वर जी आप सेल्फी लीजिए। अरे लेकिन बावरी जी। क्या बागेश्वर जी आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं बावरी जी लाइए लीजिए। आइए ना टुका का। नहीं 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 ये एंगल ठीक नहीं लग रहा है। नहीं हाँ ये बराबर है। आइए ना टुका का। हाँ 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 नटुका का थोड़े अंदर आ जाइए। बावरी जी थोड़े इस तरफ मेरी तरफ। बावरी अरे मैं इनको भाव करके सरप्राइज देने वाला था, ये बावरी ने तो मेरा ही भाव कर दिया। बावरी जी थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा अंदर। स्माइल। सेठ जी आप गुस्से में क्यों देख रहे हैं? स्माइल कीजिए ना। सेठ जी आप कब आए? अरे मैं कब आया वो छोड़, ये बत... ए, आउट आउट हो गई तू। खड़ी हो जा इधर। ये बावरी कब आई वो बता। बावरी जी थोड़ी सिंगापुर गए थे, वो तो यहीं थे। अरे भाई अपने घर से यहाँ दुकान में कब आई और क्यों आई? और आई तो आई, ये दुकान का काम काज छोड़ के तुम दोनों उसके साथ सेपली क्यों खींच रहे थे? ये क्या सेबिलिटी है? क्या हूँ? सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी। क्या हो सेठ जी? वो आज एकदम खास दिन है ना, इसलिए। क्या खास क्या है आज? आज आप कितने दिनों के बाद दुकान में आए ना, तो इसलिए। अरे तो उसमें बावरी के साथ चपली क्यों खींच रहे थे हैं? और मैं दुकान आने वाला था वो तो आपको पता ही नहीं था। वो भी है तो? अच्छा तो एक और सरप्राइज भी है। चुप रहे, झूठ मत बोल, सच सच बता। मेरी गैरहाजिरी में बावरी रोज आती थी ना, और रोज तुम लोग कहीं घूमने जाते होंगे। आज भी आई है तो आज भी जाहिर सी बात है, आज भी कहीं घूमने का प्लान होगा। आज कौन सा पिक्चर देखने का प्लान है? नहीं नहीं सेठ जी ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है, और बावरी जी रोज रोज दुकान में नहीं आते थे। हाँ मैं तो सिर्फ 5-6 दिन ही आई हूँ। अरे तो मैं 5-6 दिन के लिए तो बारगांव गया था, इसका मतलब तू रोज आती थी ना यहाँ पे। बराबर है सेठ जी, लेकिन बावरी जी रोज कस्टमर बन के आते थे। अच्छा 10-20 रुपए का वो रिचार्ज कराने। वाह दिल बहलाने के लिए जालिम ये ख्याल अच्छा है, है? मुझे क्या बेवकूफ समझा है? रोज 10-20 रुपए का रिचार्ज कराने की क्या जरूरत है?
100-200 का एक साथ में भी तो रिचार्ज कर सकती है ना। सेठ जी आप ही कहते हैं ना कि कस्टमर आखिर कस्टमर होता है, तो 10 रुपए की खरीदी करे या 10 लाख की। अच्छा अभी आज का रिचार्ज हो गया क्या बाकी है? आज तो मुझे रिचार्ज की जरूरत ही नहीं है, आज तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? इनसे? हाँ। क्यों? आपकी सिंगापुर की बातें सुनने। मैंने सिंगापुर के बारे में बहुत कुछ सुना है, आप तो घूम कर आए, बताइए ना कैसा है सिंगापुर, और आपने तो बहुत सारी फोटोज भी ली होंगी, दिखाइए ना फोटोज। अरे ये कोई टाइम और जगह है फोटो देखने की? बराबर है बावरी जी, सेठ जी की बात एकदम बराबर है। क्या है सेठ जी 5-6 दिन के बाद दुकान में आए हैं, तो 5-6 दिन का सारा हिसाब हमें सेठ जी को देना है। तो एक काम कीजिए, आप अभी 3-4 घंटे के लिए जाइए और बाद में आना, फिर हम सब साथ में मिलके सिंगापुर के फोटो देखेंगे। क्योंकि क्या है मुझे और नट्टू काका को भी सिंगापुर के फोटो देखने हैं, नहीं नट्टू काका? यस यस ऑफ कोर्स। पता नहीं हम लोग कब सिंगापुर जाएंगे, यह फोटो में तो सिंगापुर देख ले। बराबर है। हाँ ये लीजिए बावरी जी, अभी आप जाइए और 3-4 घंटे के बाद दुकान में आना, लीजिए। ओके बाय बाय। अरे नहीं नहीं ओ भाई, नहीं नहीं, नो बाय नो बाय, वापस आने की जरूरत नहीं भाई, अभी देख ले भाई फोटो। अरे वाह, चलो आप भी देख लो। आइए बावरी जी। हाँ ये देखो। अरे वाह, जू चौपाटी है, लेकिन उसका नाम उधर सेंटोसा चौपाटी है। ये देखो वो गार्डन, ये गार्डन को बे गार्डन है, बे गार्डन ऐसा कुछ नाम है इसका। बहुत 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 सुंदर, दुनिया भर के फूल उधर लगाए थे उन्होंने देखने के लिए। देखो ये सब क्रूज के फोटो है। हाँ बहुत बड़ी क्रूज थी, क्रूज तो पता है ना आपको? ये सबको और आई नो अबाउट क्रूज। मैं जब मुंबई में पहली बार आया था ना, तो सांता क्रूज में रहता था। ऐसे खराब जोक मारेंगे बंद कर दूंगा फोटो बेटो में। सॉरी सॉरी, क्रूज आई नो, टॉम क्रूज ना? हाँ हाँ। ये देखो क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? फोटो फोटो दिखाई ना, फोटो फोटो, मजा आ रहा है नहीं? वाह, बस हो गया इतना ही है। वाह सेठ जी मजा आ गया। लुक्स लाइक ए फैंटाबुलस प्लेस, मतलब मस्त जगह है ना? हाँ जगह बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। तो सेठ जी इस बार आप हमारे लिए क्या तोहफा लाए? तोहफा? हाँ हाँ बावरी जी, सेठ जी जब भी फॉरेन जाते हैं मेरे और नट्टू काका के लिए तोहफा जरूर लेके आते हैं। लंदन से लाए थे, हांगकांग से भी लाए थे। हाँ मेरे लिए भी लाए थे। अरे हाँ आपके लिए भी हांगकांग से लाए थे, तो इस बार हमारे लिए क्या लेकर आए? हाँ। अरे बाप रे, नट्टू काका और बागा के लिए तो मैं गिफ्ट लाना ही भूल गया। क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हैं, हमारा तोहफा घर पे भूल गए? भूल ही जाएंगे ना नट्टू काका, सेठ जी 5-6 दिन के बाद दुकान आ रहे हैं, तो दुकान आने के उत्साह में हमारा तोहफा घर पे ही भूल गए होंगे, नहीं सेठ जी? But बागा, don't you think this is strange? Strange? हाँ, सेठ जी को दुकान आना याद रहा तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी याद आई होगी। दुकान और हम अलग अलग थोड़े हैं। It's like 2 entity, 1 soul. मतलब सेठ जी 2 जिस्म 1 जान। अरे बाप रे, इस बार मैं इनके लिए तोहफा लाना भूल कैसे गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्हें बोलूंगा कि मैं भूल गया हूँ तो इन्हें बुरा लगेगा। कहीं आप हमारे लिए तोहफा लाना भूल तो नहीं गए हैं? नहीं 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 नहीं, बोला बोला नहीं। तो क्या लाए हमारे लिए? तोहफा? हाँ लेकिन तोहफे में क्या? तोहफे में जल्दी बताइए ना, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ जाना है? पता नहीं, पर यहाँ से निकल कर कहीं तो जाना पड़ेगा ना। बताइए ना सेठ जी क्या लाए हमारे लिए? देखो बताने में मजा नहीं आएगा नट्टू काका, क्या क्यों
जो तोहफा है ना उसका पैक पुक कर कर रखा, गिफ्ट रैप किया है। तो अभी मैं बता दूंगा तो क्या है, आप जब ये गिफ्ट ऐसे खोलेंगे तो आपको जो ऐसे मजा आ जाए, मेरे लिए ये आया है, वो क्षण का मजा मर जाएगा ना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। लेकिन वो क्षण कब आएगा सेठ जी? आएगा, आपका क्षण आएगा। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पप्पू सेठ जी। गोली, गुड मॉर्निंग। हाय पप्पू। हाय बोली। बोली? अरे बावरी दीदी, बोली नहीं, गोली गोली। हाँ, और मैं पप्पू नहीं, टप्पू। हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। टप्पू गोले, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पापा, हमने जो सिंगापुर से गिफ्ट्स लिए थे ना, नटू काका, बागा अंकल, बावरी दीदी और मगन अंकल के लिए, हम वो देने आए। अरे वाह, आप घर पे ही भूल गए थे। अच्छा? हाँ, वो क्या नाम है, आपको सुबह देना ही भूल गया, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर अपने हाथों से गिफ्ट देकर आता हूँ। दे 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 दे। ये लीजिए बावरी दीदी, ये आपकी गिफ्ट। अरे वाह, बागा अंकल, ये आपकी गिफ्ट। अरे थैंक यू। और नटो काका, ये आपकी गिफ्ट। अरे थैंक यू सो मच छोटे सेठ जी, थैंक यू। वाह वाह टप्पू बेटा, तूने तो आज मुझे बचा लिया। बचा लिया मतलब सेठ जी? टाइम टाइम बचा लिया। क्या आप लोगों का जो उत्साह था तोहफा देखने का, तो वो देख कर मैं मन ही मन सोच रहा था कि घर जाके तोहफा लेके आऊं। तो अगर मैं घर जाता, वापस आता तो बहुत टाइम जाता ना, तो टप्पू ये तोहफा इधर ही लेके आया तो टाइम बच गया ना, ऐसा कह रहा हूँ। बच्चे ने टाइम बचा लिया। और बताओ छोटे सेठ जी, गोली, वहाँ सिंगापुर में तुम लोगों ने क्या क्या किया? अरे नट्टू काका, सिंगापुर में तुम लोग ने क्या मजा किया। अरे हम लोग ने ना बेटा बेटा, वैसे मैं इनको सिंगापुर के फोटो भी सब दिखा चुका हूँ मेरे मोबाइल में, और बाकी सारी बातें भी बता चुका हूँ। अभी क्या है कि विस्तार से वो प्रवास का वर्णन हम लोग बाद में कभी फुर्सत में करेंगे। हाँ, अभी क्या धंधे का टाइम है ना बेटा, तो अभी रहने देते हैं। ठीक है पापा, तो हम निकलते हैं, हमें हमारे दोस्त के घर जाना है। और पापा, मगन अंकल का गिफ्ट वो गोडाउन में। और ठीक है, तो हमने गिफ्ट देके वहीं से निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मुझे भी याद करके मेरे लिए भी तोहफा लेकर आए। हाँ वो चलो, अभी तोहफा मिल गया ना, तो तुझे लेट हो रहा था ना। हाँ तो मैं चलूं? बस जाना ही है। ए भाई, ओ बस जाना ही है, आपको जाना ही है, ऐसे कह रहा था मैं सेठ जी। अच्छा बावरी जी, आपको जाना ही है। ओके बाय। हाँ हाँ, बाय बाय। क्या ये क्या था? कुछ नहीं, हो उन्होंने कहा आज का फोन रिचार्ज बाकी है, वो बाद में कर देना। मैंने कहा हाँ हाँ ऐसे। चलो नटू काका, बताइए हिसाब किताब, बताइए भाई क्या है 5-6 दिन का। अरे एक मिनट सेठ जी, अभी हमारा सरप्राइज तो बाकी है। आपका कौन सा सरप्राइज है? एकदम धमाकेदार सरप्राइज। अच्छा क्या नटू काका, बताइए। नहीं बेटा तू बता। नटू काका आप बताइए ना, आप वडिल है। अरे बागा बेटा, बताना क्या, बताते नहीं है, एक काम करते हैं, दिखाई देते हैं। मस्त आइडिया है नटू काका। क्या क्या दिखाना है भाई? सेठ जी, उसके लिए आपको हमारे साथ गोडाउन में आना पड़ेगा, हम आपको वहीं दिखाएंगे। गोडाउन में? हाँ हाँ, आप चलिए तो सही सेठ जी। नटू काका लाइए, मैं रख देता हूँ। चलिए सेठ जी चलिए। सरप्राइज है मित्रों, हमारे गोकुल धाम की कुंडली में सरप्राइजेस ही सरप्राइज लिखे हुए हैं। अब देखिए ना, अभी तो जेठालाल हमारे आसिफ कुमार मोदी के सिंगापुर के सरप्राइज से उभरे भी नहीं थे कि अभी नटू काका और बागेश्वर का एक सरप्राइज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर इंतजार कर रहा है। और आप सभी तो जानते हैं कि नटू काका और बागेश्वर का सरप्राइज सरप्राइज कम होता है, आघात ज्यादा होता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कौन सा सरप्राइज है जिससे जेठालाल क्या किसी और मुसीबत में फंसेंगे, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिससे बाहर आना उनके लिए मुश्किल होगा, या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मित्रों एक विशेष बात, आज महावीर जयंती है, सभी जैन बंधुओं को महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। और यहाँ पे क्या होता है दुकान पर, कैसा सरप्राइज है, और जेठालाल की जिंदगी में क्या नया तूफान लाता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
आइए। हाँ बताइए क्या सरप्राइज है। अरे बताते हैं सेठ जी, पहले आप दिल थाम के यहाँ शांति से बैठ तो जाइए। ठीक बैठ गए। क्या लगता है बैठ गए? हाँ तो बताइए। बागा ब्रिंग अलोंग। ओके आई आई सर। पहले अपना मुंह उधर कीजिए और आंखें बंद कीजिए। ये क्या आंखें बंद क्या कीजिए नोटू काका? सेठ जी प्लीज सौबे द ऑर्डर, प्लीज आंखें बंद कीजिए ना। चलो क्या मुंह से म्यूजिक बजा रहा है? सेठ जी की आंखें बंद है। आंखें खोलिए। डेंटेन। ये क्या है? मोबाइल। वो तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन सरप्राइज का बोल के मोबाइल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यही तो सरप्राइज है। अरे क्या बोल रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में आया ऐसा बोलो। समझाते हैं समझाते हैं। बागा शूट। ओके नटू काका। सेठ जी ये टीटो मोबाइल कंपनी वालों ने हमें 1000 मोबाइल खरीदने का एक्सक्लूसिव ऑफर दिया है और हमने ले लिया है। 1000 पीस? सेठ जी पूरे मुंबई में ऐसा किफायती और अच्छा मोबाइल सिर्फ गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा। हमने एक्सक्लूसिव ऑर्डर लिया है। ये मोबाइल खरीदने लोग यहाँ आएंगे, इससे हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे और मुनाफा भी बढ़ेगा। 2000 का मोबाइल हमें सिर्फ 1500 में पड़ा है। 1500 का एक मोबाइल और 1000 पीस यानी 1500,000 का इन्वेस्टमेंट। अरे 1000 मोबाइल कब बिकेंगे नटू काका? या हमें तो ये भी पता नहीं कि बिकेंगे भी कि नहीं। सेठ जी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, आप देखना मोबाइल धड़ाधड़ बिकेंगे। एक मिनट भाई तू शांति रख। नटू काका कंपनी को बोल दे हमको ये ऑफर नहीं चाहिए भाई। लेकिन सेठ जी हमने तो हाँ बोल दिया है। कोई बात नहीं, अभी माल आया नहीं होगा ना, तो माल आया उसके पहले ना बोल दो ना भाई। लेकिन सेठ जी माल तो आ चुका है। क्या वो देखिए। नटू काका बाघा, मुझे थोड़ा तो अंदाजा था कि मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। गड़बड़ नहीं है सेठ जी, ऑफर अच्छा है इसलिए हमने ये मोबाइल खरीद लिए हैं। अरे 1000 मोबाइल है नटू काका, कब बिकेंगे? बिकेंगे सेठ जी, जरूर बिकेंगे। बड़े सयाने कह के गए हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ओ भाई धंधा सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं चलता है, दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं कुछ नहीं जानता नटू काका, आप ये माल वापस भिजवा दो। सॉरी सेठ जी। क्या सॉरी? उनके ऑफर की ये शर्त है कि एक बार माल दे दिया फिर वापस नहीं लिया जाएगा। क्या नटू काका बाघा, ये क्या किया आप दोनों ने, इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। अरे चिंता मत कीजिए सेठ जी, हमने मार्केट में इस मोबाइल की डिमांड और रेट सबका स्टडी कर लिया है। ये फायदे का सौदा है सेठ जी, अपने मोबाइल यूं बिक जाएंगे। अरे आपके दिमाग में बात उतर क्यों नहीं रही है? 1000 मोबाइल है नटू काका, 1000 मोबाइल। डोंट वरी सेठ जी, माल जल्द से जल्द बिक जाएगा। हाँ। अच्छा जल्द से जल्द मतलब आप कितना टाइम पकड़ रहे? 2-3 महीना। अच्छा चलो हम 3 महीना पकड़ते। 3 महीने में 1000 मोबाइल यानी 1 महीने के 333 मोबाइल। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा इतिहास उखाड़ के देख लो नटू काका, हमने फुल सीजन में वो भी अच्छी कंपनी का मोबाइल 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 50 बेचे है। आप 333 की बात कर रहे हैं?
अरे बेवकूफी भरा काम किया तुम दोनों ने। नट्टू काका हमारी छोटी सी दुकान है, कोई बड़ा मॉल थोड़ी है कि 3 महीने में 1000 मोबाइल बिक जाएंगे। लेकिन सेठ जी। अरे क्या लेकिन नट्टू काका, मार्केट में रोज नए नए मोबाइल आते हैं, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आती है, रोज लोगों की पसंद नापसंद बदलती है, इसीलिए तुम किसी एक चीज का इतना बड़ा स्टॉक कभी नहीं करते। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि नकारात्मक सोचने से हमारे सारे काम भी नकारात्मक हो जाते हैं। ये भाई अभी तेरे बड़े सयाने की बात। सेठ जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हम इस मोबाइल को इक्का दुक्का कस्टमर के अलावा बड़े होलसेलर को भी बेच सकते हैं। हम दुकान में इस मोबाइल के बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे, इसकी पब्लिसिटी करेंगे, लोगों को अच्छी ऑफर देंगे। इन शॉर्ट, इस मोबाइल को मार्केट में हम एकदम गर्म कर देंगे। हाँ, हमने सब हिसाब करके रखा है। 1000 मोबाइल पे हमें 3 लाख का फायदा है। अच्छा, कैसे? मैं आपको समझाता हूँ सेठ जी। इस मोबाइल की कीमत है 2000 रुपए, हमें एक पीस पड़ा है 1500 रुपए में, हम इसे बेचेंगे 1800 रुपए में, तो एक पीस के पीछे हमें मिलेंगे 300 रुपए और 1000 पीस के पीछे हमें मिलेंगे पूरे 3 लाख रुपए। अरे शेख चिल्ली, 3 लाख का फायदा तभी होगा ना जब 1000 मोबाइल बिकेंगे। अरे बिक जाएंगे सेठ जी। चलो जाओ जाओ, दुकान में जाओ, दुकान संभालो। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बोलिए मेहता साहब। अरे बोलो तो तुम भाई जेठालाल, सिंगापुर में छुट्टियां मनाने के बाद दुकान में पहला दिन कैसा कट रहा है? अरे पहला दिन कट नहीं रहा है, मुझे ही काट रहा है। अब बोल रहे हो जेठालाल, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मेहता साहब। क्या ठीक नहीं है, कुछ बताओ तो सही। अरे क्या बताऊं मेहता साहब, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं भी आपकी तरह कहीं नौकरी कर रहा होता ना तो अच्छा था। टेंशन तो नहीं, नौकरी से छुट्टी लेके घूमने गए, घूम के वापस आ गए, फिर से नौकरी में जुड़ गए, नौकरी चालू। यहाँ धंधे में तो एक टेंशन खत्म हुआ नहीं कि दूसरा टेंशन चालू। ठीक है जेठालाल, लेकिन क्या हुआ, क्या है? नटू काका और बागा ने फिर से कुछ किया? और कौन हो सकता है? तो क्या किया उन्होंने, बताओ तो सही भाई। अभी छोड़िए मेहता साहब, इसमें आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, तीर कमान से निकल चुका है। क्या बोल रहे हो जेठालाल, तीर कमान? तुम सिर्फ शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हो, बताओ तो सही क्या किया है नटू काका बागा ने? अरे भाई, मुझसे बिना पूछे एक कंपनी से बेचने के लिए 1000 मोबाइल ले लिए इन दोनों ने। 1000 मोबाइल एक साथ? तो बिना सोचे समझे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी 1000 मोबाइल कब बिकेंगे, कब मेरे पैसे छूटेंगे? नहीं नहीं, समस्या तो है, पर जेठालाल तुम पूरी बात मुझे विस्तार से समझाओ तो फिर कुछ बात हो सकती है, क्या किया जा सकता है? मेहता साहब, अभी डिटेल में बताने के होश में नहीं हूँ मैं। एक काम करते हैं, शाम को 150 रुपए मिलेंगे ना, तभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है? ठीक है, लेकिन तब तक तुम अपना दिमाग शांत रखना, टेंशन मत लेना, मिलते रात को 160 पे। ओके ठीक है। पीजिए पीजिए सोडा पीजिए, अब्दुल के हाथ का सोडा पीजिए, रोज के टेंशन को दूर कीजिए। टेंशन तो जेठालाल का आज दूर होना चाहिए, दिन में फोन किया तब उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं था। हेलो, हाँ हाँ बोलिए कावेरी जी, बोलिए। शादी के लिए लड़का चाहिए, अर्जेंट है? फिलहाल तो कोई लड़का मेरे ध्यान में नहीं है। अरे अब्दुल, ध्यान नहीं है? हेलो, एक बहुत अच्छा लड़का शादी के लिए है, एकदम तैयार, क्वालिफाइड है, वेल सेटल्ड है, स्वभाव में बहुत अच्छा है और खाना बनाने में भी माहिर है। आप कौन बोल रहे हैं? खाना बनाने के लिए तो खान समय है, हमें एक लड़का चाहिए जो शादी में खाना परोसेगा। क्या? हमारी केटरिंग सर्विस के सभी लड़के अलग अलग शादियों में बिजी है, इसलिए हमें एक लड़का चाहिए जो शादी में खाना परोसेगा। ओ अच्छा अच्छा, ओ थोड़ी गलत फहमी हो गई, सॉरी। फिर भी देखिए ना, आपकी नजर में कोई हो तो प्लीज बताइए ना, या फिर आप खुद ही आ जाइए। नहीं नहीं, लीजिए अब्दुल से बात कीजिए। बोला ना मैंने। हाँ कावेरी जी बोलिए। हाँ ओके ओके ओके, या। ओ बाबू क्यों है? नहीं, वो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। दस्ते सही क्यों है? हाँ बोला बोला, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। कमाल है,
ओ अब्दुल तू उदास क्यों है? नहीं 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 अब्दुल कुछ नहीं, अरे भाई जाने दो ना भाई, अभी सोडा पियो ना आप लोग। नहीं नहीं आप तो बताए भाई, दाल में जरूर कुछ काला है। अरे जिनका फोन था ना उनको शादी में खाना परोसने के लिए एक लड़की की जरूरत थी, और पोपट भाई को लगा कि उनको शादी के लिए लड़का चाहिए, इसलिए पोपट भाई ने फोन ले लिया। शादी के लिए लड़का तो किसी भी गड्ढे में चढ़ जाता है। सही बात है। अरे अब्दुल तू भी कमाल करता है भाई, बताना तो चाहिए था कि वो शादी में खाना परोसने के लिए लड़का चाहिए। आपने बताने का मौका ही कब दिया, फोन छीन लिया। पर आप लोगों को भी इतना हंसने की जरूरत नहीं है भाई, गलतफहमी हो गई थी, हो जाता है कभी कभी। हंसी पे हमारा जोर नहीं है आगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि भाई गलतफहमी तो इंसान से ही होती है। और मैं भी इंसान ही हूँ भाई। हाँ पवड़लाल तुम इंसान हो लेकिन बैचलर इंसान हो। बिल्कुल। और क्या है पोपटलाल के अंदर की जो भावना थी वो गलती से बाहर आ गई, लेकिन इसमें कोई हंसना जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं। कोई नहीं हंसेगा भाई, कोई नहीं हंसेगा। नहीं नहीं भाई हंसना है तो हंसो भाई, जिसको हंसना है हंसो। क्या है ना सिंगापुर से वापस आने के बाद में अब एकदम पॉजिटिव हो गया, मुझे यकीन है मेरी शादी आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी। अरे वाह। नहीं पोपटलाल ऐसा बोलना मतलब तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन फिर भी कोई हंसेगा नहीं भाई, अभी कोई मजाक कोई हंसेगा। पर पप्पू जो भी हो यार तू तो बच गया, वो सामने वाली मैडम तुझे गलतफहमी में वहाँ पे बुला लेती तो अपना पप्पू तो दुल्हे राजा बन के वहाँ जाता और दूसरे दुल्हे राजा की बरात में बर्तन धो रहा होता। दूल्हा खाना परोस रहा है। आज तुमने इतना हंसा दिया है ना कि पेट पे दर्द हो गया। एक्चुअली आप तो डॉक्टर है, दवाई खा लीजिए। बस बस और कितना हंसाओगे तुम। अरे मेरे साथ रहेंगे तो अब हंसते ही रहेंगे, खिलखिलाते ही रहेंगे। मजा आ गया जी, मजा आ गया, जम के मजा आ गया। नहीं नहीं सच में बहुत मजा आ गया। और मजा तो सबके साथ आता है। एक मिनट जेठा भाई कहाँ है? अरे हाँ परम मित्र कहाँ रह गए आपके? अरे आज उसे बिजनेस का कुछ टेंशन था तो मुझे लगता है इसी चक्कर में लेट हो गया होगा। की टेंशन है मेहता साहब? यार बिजनेस में अब कई टेंशन होते हैं, जब जेठालाल आए तो उसी से पूछ लेना। मैंने तो कहा था भाई सोडा शॉप पे आ जाना, वहाँ बात करेंगे, टेंशन हल्का हो जाएगा। ये जेठालाल का ऐसा ही है, खुद भी टेंशन लेता है और दूसरों को भी देता है। अरे जेठा भाई आएंगे तो खुद ही बता देंगे। लो आ गए जेठा भाई। जेठा भरा की चाल देख के तो ये लग रहा है कि बहुत टेंशन में। आयो आयो जेठा भरा तुम्हारी राह देख रहे थे, आओ बैठो। आओ जेठा भाई आओ। जेठा क्या हुआ? क्या नहीं मेहता साहब बता रहे थे कि कोई बिजनेस का टेंशन है तुम्हें। हाँ वो क्या जेठा कुछ समाधान निकला है समस्या का? नहीं मेहता साहब समझ में नहीं आ रहा, ये नट्टू काका और बागा का मैं क्या करूं। नट्टू काका और बागा का टेंशन है? नहीं नहीं उनका टेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आग लगाई है उसका टेंशन है। नट्टू काका और बागा ने दुकान में आग लगा दी? दुकान में नहीं है यार भाई, मेरे दिमाग में आग लगाई है। क्या जेठालाल? अरे दिमाग में आग कैसे लगेगा? दिमाग में कुछ होगा तो आग लगेगा ना। यार भाई प्लीज प्लीज बोल रहा हूँ मैं आपको, मेहरबानी करके आज ऐसी वैसी कोई बात मत करना, क्योंकि मैं आज बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। अय्यर जरा शांत बस प्लीज। जेठालाल तुम बताओ कि क्या किया नट्टू काका बागा ने? मैं तो सबको सब बताया, मैं तो सब बताइए। जेठालाल तुमने भी मुझे पूरी बात थोड़ी बताई, मुझे तो आधी अधूरी बात पता है, तुम ही बताओ भाई। ठीक है, वो हम लोग सिंगापुर में थे तभी यहाँ मेरी गैरहाजिरी में बिना मुझसे पूछे नट्टू काका और बागा ने एक टीटो मोबाइल कंपनी से 1000 पीस 15 लाख में बेचने के लिए खरीद लिए। 1000 मोबाइल? हाँ। और वो भी तुमसे बिना पूछे? तो ओ जेड़ा ब्रा इसमें टेंशन क्या है, 1500 रुपए का मोबाइल 2000 में बेच दो और 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा यार। अरे छोटी फायदा तभी होगा ना जब मोबाइल बिकेंगे, मुझे नहीं लगता ये मोबाइल मार्केट में बिकेंगे। हाँ बराबर है, इतना 1000 मोबाइल बिकने में तो टाइम जाएगा।
यार शुभ शुभ बोलो ना यार। नहीं मैदा साहब, मैं टेक्नोलॉजी के एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा था। क्या मार्केट में रोज नया नया टेक्नोलॉजी का नया नया मोबाइल आता है, आज का नया मोबाइल कल पुराना हो जाएगा, इसलिए 1000 मोबाइल बेचने में तो टाइम लगेगा, तब तक तो ये मोबाइल पुराना हो जाएगा। जब मोबाइल पुराना हो जाएगा तो फिर इसको कौन खरीदेगा? बी पॉजिटिव यार, हर विंटेज चीज का भी कोई ना कोई खरीदार तो होता ही है। क्यों सोड़ी? हाथी भाई, विंटेज कारों का तो मैं कह सकता हूँ, पर विंटेज मोबाइल, वो भी 1000 विंटेज मोबाइल। टीटो टीटो मोबाइल टीटो कंपनी का है, विंटेज विंटेज क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या 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 बोला जनरल, क्या बोला फिर से बोला यार। क्या हुआ? तुम टीटो कंपनी की बात कर रहे हो, ये विंटेज मोबाइल बोल रहे हैं। विंटेज जो चीज बड़ी पुरानी हो जाती है, चलन में नहीं रहती है, उसे विंटेज बोलते हैं। तुम एक काम करो, वो मोबाइल का एक पीस मेनू दे दो, मैं अपने सारे यारों दोस्तों को दिखा देता हूँ, और कुछ ना कुछ तो अरे वास्ते करांगे यार। हम पीस तो मैं लेके आया हूँ छोटी। हाँ दिखा देखो। राइट है, ये मोबाइल टिटो। थोड़ी मेरे को बता। हाँ अलग छोटी, ये मोबाइल 2000 का है, लेकिन 2000 के अगर 1800-1700 जो मिले उसमें मैं निकालने को तैयार हूँ। ओके, मेरे को नहीं लगता ये मोबाइल बिकेगा, कोई चांस ही नहीं है बिकने का। और ये रहा, तुझे फिकर ना करो, और 10-12 मोबाइल तो मैं पक्का बिकवा दूंगा जी। हाँ जेठालाल, मैं भी पूछता हूँ मेरे पहचान वालों को, अगर किसी को चाहिए तो। हाँ मैं भी अपने ऑफिस में बात करता हूँ, स्टाफ में कोई ना कोई जरूर ले लेगा। कुछ मोबाइल मुझे दे देना, दुकान में मैं भेज दूंगा। मैं भी अपने पेशेंट्स को पूछूंगा, अगर उनको फोन चाहिए होगा तो। मैं भी बात करता हूँ हमारे तूफान एक्सप्रेस का स्टाफ है ना, उनसे, किसी को चाहिए होगा तो दिला दूंगा। तुम टेंशन छोड़ो जेठालाल। अरे भिड़े, 1000 पीस है, 15-20 मोबाइल बिकने से क्या होगा? ये मोबाइल कंपनी को वापस नहीं दे सकते? क्यों, पेमेंट हो गया? नहीं नहीं, पेमेंट तो 1 महीने बाद देना है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, कंपनी को वापस दे दो भाई, टेंशन खत्म करो। अरे भाई मैंने बोला ना, ये मोबाइल 2000 का है, लेकिन वो कंपनी ने 1500 में इसी सर पे दिए कि भाई वो वापस 1 भी पीस नहीं लेंगे। इम्पॉसिबल, 1 महीने में इतना 1000 मोबाइल बिकना इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं, मुश्किल तो है केठालाल, तुम्हें अगर 30 दिन में 1000 मोबाइल बेचने हैं ना, तो कम से कम तुम्हें दिन के 33.33 मोबाइल बेचने होंगे। अगर तुम दिन के 10 घंटे दुकान चालू रखते हो, तो तुम्हें हर घंटे में 3.33 मोबाइल बेचने होंगे, यानी कि हर 20 मिनट पे एक मोबाइल बेचना हो। उतनी वो 20 मिनट में तो बड़े बड़े मॉल्स में भी मोबाइल नहीं बिकता जी। जेठला, भगवान को ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कम से कम नुकसान हो, क्योंकि इतने मोबाइल तो तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे ऐड छापोगे ना तो भी नहीं बिकेंगे। ते बराबर है, इतना ही बिकना। ये क्या बराबर है? जेठा भाई, अब क्या करोगे? मित्रों, आपने चींटी को देखा है, कितना परिश्रम करती है, चीनी के दाने इधर से उधर ले जाती है, और बहुत सारी चीजें, जितनी भी क्षमता होती है उसकी परिश्रम की वो करती है, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर उठाना हो नहीं उठा सकती, क्योंकि क्षमताएं सीमित है। ठीक उसी तरह जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक छोटी दुकान है, क्षमताएं सीमित है, 1000 मोबाइल कैसे बेचेगी ये दुकान? भाई आपको क्या लगता है, नटुका का और बाघा ने मुनाफे के चक्कर में ये रिस्क लेके बहुत बढ़िया काम किया है, या फिर ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से जेठालाल को नुकसान झेलना पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त जेठालाल बड़े टेंशन में है, क्या करेंगे वो आगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेंशन जायज भी, 1000 मोबाइल कैसे बिकेंगे, किस तरह से बिकेंगे, और नहीं बिकेंगे तो क्या होगा, ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन आपके घरों में हंसी कायम रहेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब तो एक ही रास्ता है, जेठालाल को ये तारा मोबाइल ठेला गाड़ी में डालना पड़ेगा और गली गली घूमना पड़ेगा कि मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, मोबाइल शोरूम का माल रास्ते पे, मोबाइल ले लो सस्ते में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सुंदर सस्ता टकाऊ मोबाइल ले लो, मोबाइल मोबाइल ले लो, मोबाइल 2000 का मोबाइल 1500 में ले लो। आई
ये भाई साहब, ये देखिए इस टाइप के मोबाइल है बॉक्स में। ये तीन कलर आएंगे, ये पिंक, ये ब्लू और व्हाइट। 1500 में दो दे दो। नहीं भाई नहीं, 1500 का दो नहीं, एक ही होता है। ठीक है। अच्छा सुनो सुनो भाई, देखो वैसे दो का 3000 होता है, आप 2800 दे दो बस। नहीं नहीं। 2500? नहीं नहीं। 2400? नहीं, 1500 सेठ जी। अरे भाई सुनिए भाई साहब। सेठ जी मुझे लगता है दाम घटाना पड़ेगा। अरे लेकिन 1000 मोबाइल खरीदे क्यों? हो गई ना गलती, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी बस। नहीं नटू काका, आई डोंट नो, आई कांट कमिट। क्या 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 बोला? नहीं मतलब नटू काका भी यही कह रहे हैं कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मोबाइल ले लो, मोबाइल मोबाइल ले लो, मोबाइल। सेठ जी भाव थोड़ा कम कर दे। अभी और कितना भाव कम करे भाई? 1000 रुपए करो। 2000 का मोबाइल 1000 में ले लो, मोबाइल ले लो, मोबाइल। 2000 का माल 1000 में ले लो, मोबाइल ले लो, मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। 2000 का 1000 में है ले लो। ये तो एकदम सादा है। अरे भाई 2000 का मोबाइल 1000 में दे रहे तो सादा ही होगा ना। 1000 में क्या आपको रॉकेट चाहिए? ओ भाई तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आवाज नीचे करके बात करो। आवाज नीचे नहीं होगी, मेरी आवाज ऐसी ही है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए भाई साहब इनकी आवाज ऐसी है नहीं, लेकिन क्या है कब से बेचारे मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो ऐसे चिल्ला रहे ना, इसलिए इनकी आवाज ऐसी हो गई है। सॉरी हाँ। ये देखो ये तरीका होता है बात करने का। अरे तू मुझे बात करने का तरीका मत सिखा, मोबाइल लेने तो ले रहे थे, निकल यहाँ से। अरे छोड़ना भाई, रास्ते का मोबाइल क्यों लेने का? बाजू में खड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहाँ से जाके लेते। अरे सुनो ओ भाई सुनो, सेठ जी सेठ जी पैसे ही बात करेंगे तो कोई मोबाइल नहीं खरीदेगा। अरे तो 1000 मोबाइल लिए क्यों? हाँ तो बाघा ने बोला ना हो गई गलती, अब क्या करें, जान लोगे बच्चे की? अरे आपकी हाइट खाली बच्चे जितनी है, क्या जान लोगे बच्चे की? छोड़ छोड़ भागा, चल हम दुकान संभालते हैं। अरे क्या, अरे फिर ये मोबाइल कौन बेचेगा? आप बेचिए, आप बेचिए। अरे अरे तो चले गए। जाने दीजिए ना सेठ जी, कहाँ बेचारे इस उम्र में हमारे साथ धूप में घूमेंगे। मैं हूँ ना आपके साथ, हम दोनों मिलके सारे मोबाइल बेच डालेंगे। मोबाइल ले लो, मोबाइल। 2000 का मोबाइल 1000 में ले लो, मोबाइल ले लो। सेठ जी ये तो 1000 रुपए में भी कोई नहीं खरीद रहा है। एक काम करे क्या, सिंगल सिंगल पीस तो कोई खरीद नहीं रहा है, किलो के भाव में बेचे। बेचो और क्या। मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, किलो के भाव में मोबाइल ले लो, किलो के भाव में मोबाइल ले लो। कितना किलो दिए? 2000, 2000 का किलो। 1500 में देगा? ले भाई ले, चल ले उठा। दलाल कहाँ खो गए भाई? वो मैंने तेल गाड़ी को बोला ना तो जय डॉलर विजुअलाइज कर रहा होगा। यार शांत रहो ना एक मिनट यार। ओ जेड़ा बड़ा, ओ तुसी बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्या है ना टेंशन लेने से टेंशन हल्का तो होगा नहीं। और तुसी टेंशन हटाओ और अपने अब्दुल का फर्स्ट क्लास ठंडा सोडा पियो, क्या है ना ठंडा सोडा पी के दिमाग भी ठंडा होगा और दिमाग ठंडा होने से ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे और आपकी ये प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी। हाँ हाँ जीठा भाई रिलैक्स हो जाइए, टेंशन लेने से सेहत खराब हो जाती है। और जेठालाल हम लोग सोडा शॉप में मिलते किस लिए? टेंशन को भूलने के लिए भाई, इसलिए टेंशन सोडा और सोडा ला टेंशन दे।
पियो पियो सोडा पियो जेठालाल, और ये भूल जाओ टेंशन मोबाइल का, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अब्दुल एक एक सोडा और बना। अरे चलो भाई, कल सुबह ऑफिस भी जाना है भाई। जेठालाल भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, अब तो भरोसा रखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ, भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, भरोसा पे पूरी दुनिया कायम है। चलो दोस्तों, आप लोग दूसरी सोडा पियो, मेरे लिए एक ही काफी है। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको ना जेठा, दस नहीं, ठीक है, नहीं नहीं बस भैया भाई, वो मोबाइल छोटी को दे देना। छोटी ये ले। हाँ थैंक यू भैया। ओ जेठा भरा, तुसी फिकर ना करो, और आप जी कुछ ना कुछ अच्छा कर देंगे। चलो ओके, गुड नाइट, टेंशन मत लो। आ गया जी, क्या हुआ? क्या कुछ टेंशन है? नहीं बाबूजी, झूठ मत बोल। तेरा चेहरा है ना पानी जैसा पारदर्शक है, तेरे मन में जो भी चल रहा होता है वो तेरे चेहरे पे दिख जाता है। बता क्या टेंशन है? बापू जी, हम लोग सिंगापुर थे, तभी ये नट्टू काका और बागा ने मुझे पूछे बिना लाखों के मोबाइल खरीद लिए। कितने मोबाइल खरीदे? 1000 पीस। 1000? वही तो, ये नट्टू काका और बागा भी ना। देख जेठिया, जीवन में कभी कभी ऐसी चुनौतियां आ जाती, लेकिन वो ऐसे निराश होकर बैठेगा तो उसका सामना नहीं कर पाएगा। अब जो हो गया वो हो गया, हा? तो अब आगे क्या करना है उसके बारे में समझा। और क्या है जेठिया कि हर दिन एक जैसे तो होते नहीं, एक दिन अगर हमारे साथ कुछ नकारात्मक होता है तो दूसरे दिन सकारात्मक भी होता है, होता है ना। और दूसरा क्या है जेठिया कि अगर तू नकारात्मक सोचते बैठेगा तो सब नकारात्मक ही होगा, लेकिन अगर तू सकारात्मक सोचेगा तो सकारात्मक होगा। ले तू चिंता मत कर, भगवान का नाम ले और सकारात्मक सोचते सोचते शांति से सो जा। तू देखना कल सब सकारात्मक ही हो। जा सो जा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बाबू। टीटो मोबाइल कंपनी वालों ने हमें 1000 मोबाइल खरीदने का एक्सक्लूसिव ऑफर दिया है। ऑफर अच्छा है, इसलिए हमने ये मोबाइल खरीद लिए हैं। अरे 1000 मोबाइल है नट्टू काका, कब बिकेंगे? अब तो एक ही रास्ता है, जयडलाल को ये तारा मोबाइल ठेला गाड़ी में डालना पड़ेगा और गली गली घूमना पड़ेगा कि मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो। बागा, बागा, तेरा फोन बज रहा है। नट्टू काका, आपका फोन बज रहा है। अरे बेटा, तेरा फोन बज रहा है। नहीं नट्टू काका, आपका फोन बज रहा है। अरे बागा, मुझे इतनी रात को कौन फोन करेगा? बावरी फोन कर रही होगी, तेरा फोन है। बोलिए बोलिए बावरी जी, क्या हुआ? मेरे ख्यालों में आपको नींद नहीं आ रही है। अरे बावरा। बावरी जी, आपकी आवाज को क्या हो गया? ए बावरा, ये तेरी बावरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कौन मैं? अच्छा, अभी तू प्रेम में इतना घेला हो गया कि मेरी आवाज भी नहीं पहचानता। सेठ जी आप? नट्टू काका, सेठ जी का फोन है। स्पीकर, स्पीकर। बोलिए सेठ जी, इतनी रात को आपने क्यों फोन किया? अरे मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? सेठ जी, नटवरलाल प्रभा शंकर उठाई वाला स्पीकिंग। हम लोग फोन इसलिए नहीं उठा रहे थे कि हम लोग सो रहे थे। अरे भाई सुनाई दे रहा है, जरा धीरे बोलिए, इतने चिल्ला क्यों रहे आप? ओ सॉरी सॉरी सेठ जी, वो क्या है कि जब फोन स्पीकर पे होता है ना तो लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन कि आवाज बराबर नहीं आती। हाँ सेठ जी, और नट्टू काका स्पीकर पे बात कर रहे हैं ना, तो उनको लगा शायद उनकी आवाज आपको नहीं आ रही है, इसलिए वो जोर से बात कर रहे हैं। नहीं नट्टू काका, भूल जाए बागा बॉय।
बोलिए बोलिए सेठ जी, क्यों फोन किया? आप दोनों को शर्म नहीं आती? हमने क्या किया सेठ जी? मुझे टेंशन देके मेरी नींद उड़ा के तुम दोनों आराम से चैन की नींद सो रहे हो। हमने क्या टेंशन दिया? अरे 1000 मोबाइल खरीद के बैठे हो, टेंशन नहीं तो क्या है? अरे इसमें टेंशन क्या ले रहे हैं सेठ जी? माय गट फीलिंग सेज के सारे मोबाइल बिक जाएंगे। कैसे कैसे बिक जाएंगे? कुछ सोचा है उसके बारे में? नहीं, सोचा तो नहीं है। तो सेठ जी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोल। बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान को ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, टेंशन की वजह से उसे रात को बराबर नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो दूसरा दिन पूरा खराब जाता है। और सेठ जी, हर नया दिन नया सवेरा लेकर आता है, हर नया सवेरा एक नया जोश और नई उमंग लेकर आता है। तो देखना सेठ जी, कल का नया सवेरा नई उमंग लेके जरूर आएगा। ओके, गुड नाइट। अरे वैसे इसकी बात तो सही है, हर नया दिन नई उमंग लेके आता है। हे भगवान, कल के नए दिन में कोई ऐसी नई उमंग भेजना कि ये 1000 मोबाइल बेचने का कोई आइडिया मिल जाए, प्लीज। नटू काका, मैंने ये सारे हैंगिंग पोस्टर और ऑफर के लिए बाहर स्टैंडी पोस्टर भी लगा दिया है। वेरी गुड बागा। बागा, वैसे ऑफर तो बहुत अच्छा है, इट्स नॉट ए बैड ऑफर। 1800 में एक मोबाइल और 3400 में दो। लेकिन आपको क्या लगता है नटू काका, इस ऑफर से इतने सारे मोबाइल बिक जाएंगे? लेट अस होप सो। बस सेठ जी के आने से पहले एक आध दो मोबाइल बिक जाए ना, तो सेठ जी के दिल को शांति मिलेगी। आपकी बात एकदम बराबर है नटू काका। एक काम करते हैं नटू काका, हम दोनों आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि टीटो मोबाइल के लिए दुकान में एक कस्टमर भेज दे। ओके, लेट अस डू प्रार्थना। यस। ऐसा आभास हो रहा है कि दुकान में कोई कस्टमर आया है। मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, टीटो मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में कस्टमर भेज ही दिया। वेलकम सेठ जी। आप सेठ जी क्या कर रहे हैं तुम दोनों? ओ सेठ जी, हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि टीटो मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में कस्टमर भेज दे, क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कह के गए हैं कि प्रार्थना में बहुत बल होता है। ए बड़े सयाने, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अरे एक पीस बेचने से क्या होगा, 1000 पीस है। मान लो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना को मद्देनजर रखते हुए रोज का कस्टमर भेज दिया, तो 1000 पीस बेचने में 1000 दिन लग जाएंगे। 1000 दिन यानी 3 साल। काम डाउन सेठ जी, काम डाउन प्लीज। ये सारे मोबाइल बहुत जल्द बिक जाएंगे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। आप परेशान मत होइए। अरे क्या परेशान मत होइए, कल से ये 1000 मोबाइल ने मेरी नींद उड़ा रखी है। दिमाग में ये 1000 मोबाइल की घंटड़ियां सुनाई देती है। कल पूरी रात में मोबाइल की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाया। अरे बाप रे सेठ जी, अगर ऐसा है तो थोड़ी देर गोडाउन में जाके आप आराम कीजिए। 1000 मोबाइल के बॉक्सों के बीच में, अभी यहाँ सामने नहीं है तो इतना टेंशन हो रहा है, वहाँ सामने दिखेंगे तो पता नहीं टेंशन के मारे मेरी डागड़ी चसक जाएगी। क्या कर दिया आप दोनों ने, और टिटोड़िया आप दोनों को 1000 मोबाइल पधरा के चला गया। और आप दोनों ने भी बिना सोचा समझे, समझ में नहीं आता है क्या करूं। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए, भगवान प्रोडक्ट देता है तो साथ में कस्टमर भेजता ही है। हाँ,
आप आराम से मेरी कुर्सी पे बैठ जाइए। बागा सेठ जी के लिए गर्म गर्म चाय बोल दे। जी। एक्सक्यूज मी। आइए 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 आइए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यही है क्या? जी जी यही है। बोलिए क्या चाहिए? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल? बताते हैं बताते हैं, पहले आप यहाँ के स्पेशल चार मैंगो फालूदा मंगवा के रखिए। क्यों? अभी ना आपके दुकान पर एक बहुत ही खास व्यक्ति आने वाले हैं। कौन खास व्यक्ति आ रहे हैं? यहाँ के एक बड़े नेता, और वो आपसे मिलने आ रहे हैं। आप क्या नाम क्या है उनका? एक दो तीन चार, पाँच छह सात आठ। चलो दुकाड़ में अधिक मास, एक तो पहले ही मोबाइल का टेंशन है, अभी ये नेताजी आ गए चंदा मांगने। एक दो तीन चार, पाँच छह सात आठ। आइए आइए सेवक लाल जी आइए। अरे भाई वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर कि आप मुझे पहचानते हैं। अरे आपको कौन नहीं जानता, आप तो बहुत बड़े नेता हैं। इस बार भी आप चुनाव में खड़े हैं। हाँ, अगर हमें पता होता कि आप हमारी दुकान में आने वाले हैं तो आपके स्वागत के लिए हम बुके लेके आते। अरे हम तो आपके सेवक हैं। अब सेवक के लिए गुलदस्ते की क्या आवश्यकता है? नेताजी यही है इस दुकान के मालिक जेठालाल जी। नमस्ते। नमस्ते। और ये है इस दुकान के कर्मचारी नट्टू काका और बागा जी, सालों से इसी दुकान में काम कर रहे हैं। नमस्ते। 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 ये लीजिए लॉलीपॉप। नहीं नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लीजिए ना, इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले लीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। आप ये थैंक यू। ये थैंक यू। ये किस खुशी में? जी हमारा तो काम जनता को लॉलीपॉप देना है, उनका मुंह मीठा करना, उनकी जिंदगी में मिठास लाना, इसलिए हमारा चुनावी चिन्ह भी लॉलीपॉप ही है। वाह 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 वाह। बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? भाई जेठालाल जी, हमने मार्केट में बहुत लोगों से पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बढ़िया सामान कहाँ मिले, तो सबने एक ही नाम बताया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। और देखिए हम खुद ब खुद आ गए आपसे मिलने। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया है आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है आपने, पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट माल और सबसे व्याजबी भाव में आपको यही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। बागा एक काम कर, दो मैंगो फालूदा लेके आ जा। दो? इन्होंने तो चार मांगे थे। सेठ जी सिर्फ दो? हाँ एक नेताजी के लिए एक भाभी जी के लिए। नहीं नहीं जेठालाल जी, भाभी जी नहीं है, ये काजल जी हैं, हमारी पार्टी की सनिष्ठ कार्यकर्ता। सॉरी सॉरी सॉरी, तो सबके लिए लेके, मतलब वो चारों के लिए लेके। अब भी फोन करके बोल देता हूँ। और बताइए जेठालाल जी, धंधा पानी तो बराबर चल रहा है ना, क्या कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं, अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है। और हमारा चुनावी प्रचार भी जोरदार तरीके से चल रहा है, बस अब आप सब लोगों की कृपा चाहिए, वोट डालने जरूर जाइएगा। हम तो वोट देते ही हैं, वोट देना हमारा अधिकार है, वोट देना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में भी हम सब वोट देने तो जरूर जाते हैं। सोसाइटी? आप गोकुलधाम सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना? अब वहीं रहते ना? आपको कैसे पता? ये जय विजय ने बताया। अच्छा जेठालाल जी, आपसे एक काम था। अरे बाप रे, कहीं ये कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्री में मांगने तो नहीं है? मित्रों मेरे परम मित्र जेठालाल इस वक्त बड़ा टेंशन, सर पे 1000 मोबाइल बेचने का बोझ है और दुकान पे चले आए हैं नेताजी। सोचिए तो क्यों आए हैं नेताजी? नेताजी चुनावी मौसम में अगर चंदा मांगने आए होंगे तो फिर जेठालाल का हाल गरीबी में आटा गीला की तरह हो जाएगा, और यदि चंदा मांगने नहीं आए तो फिर क्यों आए नेताजी? क्या है उनका इरादा? भाई इस वक्त तो ये मैं कैसे बताऊं कि क्या है उनका इरादा, लेकिन ये जो कुछ भी होने जा रहा है इस चुनावी माहौल में,
हम उसके जरिए आपको एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, तो इसलिए आप देखना मत भूलिएगा कि यहाँ दुकान में क्या होता है और क्या होने वाला है। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आपका वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा योगदान वोट का है, तो अपना वोट देना मत भूलिए, मतदान जरूर कीजिए। और यहाँ क्या होता है आगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।